हाय फ्रेंड, दिस इज़ पिया। स्वागत करती हूँ आपका अभी अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। सो आज तो सरप्राइज रह गए होगा आप मुझे देखकर। एक तो सैटरडे की जगह थर्सडे को टपक गई हूँ मैं और ऊपर से सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक लेके आई हूँ। बताओ क्या कहने मेरे। सो मैं तैयार होने की स्टेप बता बता के बिल्कुल पकाने वाली नहीं हूँ, सीधे पॉइंट पे आते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने ना एक सीरीज चला रखी है आपकी फरमाइश, जिसके 30 एपिसोड मुझे करने थे। एपिसोड 23 पे हम लोग अभी चल रहे हैं और एपिसोड 23 और 24 के ही लुक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने ट्राई किए थे दो सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक। वैसे तो अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते होगे तो आपने देखा होगा मैंने कोई एक भी एपिसोड सिंपल नहीं छोड़ा होगा। मैंने हर एक में कुछ नया देने की ट्राई किया, कभी सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड लुक किया, कभी कोई हैक बताया होगा, कभी साड़ी विद शॉल बताया, कभी कोई ब्लाउज का हैक बताया होगा। मतलब मैंने हर एक में कुछ ना कुछ नया किया है। और अगर फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, बिकॉज वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होता है जो यूट्यूब पर नहीं हो सकता है। तो अच्छा रहेगा ना, हम लोग वहाँ पर भी जुड़े रहेंगे। अच्छा, एक और काम की बात बताती हूँ। तो इंस्टाग्राम पर ना मैंने गिव अवे रखा था 5 लोगों का, जिनमें से 3 लोगों का मैं नाम भी अनाउंस कर चुकी हूँ। अब बचे 2 लोग हैं, तो 14 फरवरी को हमारा वो आपकी फरमाइश वाले सारे एपिसोड कंप्लीट हो जाएंगे, तो उस दिन मैं बचे वो वाले गिव अवे के भी नाम मतलब अनाउंस कर दूंगी। मैंने क्या किया है, मॉइस्चराइजर लगाया है, बीबी क्रीम लगाऊंगी, वही काजल, वही मेरा लिप लाइनर और वही टेंट, ये 2-3 चीजें लगाकर और मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर आगे की कहानी आपसे बताती हूँ। सो मेरा ये फर्स्ट लुक है मौनी रॉय इंस्पायर्ड। एक्चुअली इनसे इंस्पायर्ड क्या, इनकी जो साड़ी थी ये कोई डिज़ाइनर साड़ी होगी, किसी डिज़ाइनर ने मतलब डिज़ाइन करी होगी, लेकिन हम तो ठहरे सादा लोग। तो मैंने ना 2 साड़ियों को लिया, एक प्लेन रेड साड़ी है और एक पिंक साड़ी है। ये दोनों साड़ियाँ मैं बिल्कुल नॉर्मल में पहनती हूँ, जैसे आपको पता होगा। अब इसकी ड्रेपिंग पे बहुत ध्यान से फोकस करना, बिकॉज ये जितनी सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल बिल्कुल नहीं है। तो अपनी साड़ी को मैंने उल्टी साइड से लिया है, मतलब इसका जो फॉल है वो ऊपर दिख रही है, और मैंने ना सीधे हाथ की तरफ से लेकर पीछे तक आधी मतलब पीछे तक आधी तक लेकर और साड़ी का पल्ला अपने उल्टे हाथ पर डाल लिया है। अब पीछे से हमारा आधा पेटीकोट बचा है, आधा पेटीकोट हमारा आगे से बचा हुआ जो दिख रहा होगा, है ना। तो अब मैंने क्या किया है, दूसरी साड़ी प्लेन वाली उठाई, उसको ऐसे आगे टक कर लिया और अपने पल्लू का मेजरमेंट ले रही हूँ। नॉर्मल जैसे हम लोग लेते हैं बिल्कुल वैसे लेना है। इसके बाद जो प्लीट्स बनती है उनको इस तरीके से बिल्कुल नहीं बनाएंगे, अदरवाइज वो मौनी रॉय की तरह फैली हुई नहीं दिखेंगी। मैंने ये 2-3 बार ट्राई किया था, जितना सिंपल ही दिख रहा था ना बिल्कुल भी उतना सिंपल नहीं था। मैंने बार बार ट्राई किया, बार बार कभी कुछ हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था, फिर मैंने फाइनली इस तरह से निकाला था। तो वापस से हम वो लहंगे वाली जो प्लीट्स बनती है वैसे छोटी छोटी प्लीट्स बनाकर रेड साड़ी की पीछे तक लेके जाएंगे और पीछे से इसको इस तरह से फैला के पल्लू को डाल देंगे। एक पल्लू को हम लोग ऐसे प्रॉपर स्पिन अप कर लेंगे, वैसा वाला वो जो प्लीट्स बनाते हैं वैसी प्लीट्स बना के पिन अप कर लेंगे, और एक को ऐसा ओपन पल्लू रहने देंगे। ये सब कुछ लेफ्ट शोल्डर पर हो रहा है इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर राइट पर हो रहा होता तो ऐसा मैंने कई बार ट्राई किया है। पीछे से बिल्कुल भी मैसी नहीं लग रहा, मैं आपको दिखा रही हूँ, और आगे से इसका लुक ऐसा कुछ आता है। मौनी रॉय ने इसमें बेल्ट लगा रही थी, मेरे पास बेल्ट नहीं थी तो मैंने ये वाली लेस पड़ी हुई थी वो लगा ली है। साड़ी का जो कलर कॉम्बो है बहुत प्यारा है, रेड और पिंक, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। साथ में आप पिंक और ऑरेंज ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगता है, या फिर ब्लू और ग्रीन ट्राई कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। बट ये ऐसे भी बहुत प्यारा लग रहा था। मैं छत पे जाके आपको अपना फुल लुक दिखा रही थी। मौनी रॉय ने स्लीवलेस ब्लाउज पहना था इसलिए मेरे ब्लाउज में स्लीव्स थी, उनको मैंने ऐसे ना अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया था। सारे जुगाड़ू काम करती हूँ आपको पता है, पीछे से लुक दिखा रही हूँ अपना बार बार कि बहुत प्यारा था। साइड से इसकी जो प्लीट्स जा रही चुन्नट चुन्नट बनकर, क्योंकि लहंगा स्टाइल पहनी साड़ी बहुत सुंदर लग रही, इसको आप प्रैक्टिकली ट्राई कर सकते हैं। बहुत बहुत प्यारा लुक है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल सिंपल सा और डिफरेंट, अगर आपको कुछ डिफरेंट करने की इच्छा है। अगेन मैंने ये वाली ड्रेपिंग ट्राई करी लेकिन मैंने राइट शोल्डर पर ट्राई करी है, इन्होंने लेफ्ट पे पहना था। अब हम बात करते हैं शिल्पा शेट्टी की। तो शिल्पा शेट्टी का ये वाला लुक काफ़ी पॉपुलर चल रहा था इन दिनों, और प्लाजो के साथ पहना था। प्लाजो थी या पैंट थी पता नहीं, ऐसी कुछ था ना, मेरे पास प्लाजो थी ना पैंट था। मैंने अपने हस्बैंड की ब्लू कलर की पैंट उठाई और उसके संग इसको ट्राई करना शुरू करा। तो अपनी साड़ी को लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट में मैंने सिंपल जैसे पेटीकोट में टक करते हैं वैसे टक किया। अब ना अपनी साड़ी का जितना पल्लू होता है उतना मेजरमेंट लिया, और बची हुई जितनी भी साड़ी दिख रही है आपको उस पूरे की प्लेट्स बना लो। ज्वेलरी पहन ली मैंने, क्योंकि शिल्पा ने सबको सिल्वर सिल्वर का पहना था, मैंने भी सिल्वर पहन लिया और मैं बन गई शिल्पा शेट्टी। पता नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। 2 बातें, एक तो शिल्पा ने कहाँ इतनी पतलियाँ रखी और कहाँ मैं इतनी मुट्टू रखी, और दूसरा मतलब ना जब भी आप किसी और का लुक करते हो तो आपके आपका फेस क्योंकि अलग है और उनका अलग है, तो वो वाले फीचर्स आपके फेस पे नहीं होते हैं। तो फिर मुझे नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं थी कुल मिलाकर, ना इस ब्लाउज से ना, बस मैं उनकी ड्रेपिंग आपके संग बता रही थी। इसके बाद फिर ना थोड़ी देर तक सब कुछ ट्राई किया, मैंने ड्रायर से बालों को भी बहुत उड़ाने की कोशिश करी, सब कुछ किया, लेकिन मुझे बिल्कुल मज़े नहीं आ रहे थे। फिर मैं मेरे वाले अवतार में आई हूँ। तो जो इसके अंदर आपको ब्लाउज दिख रहा था मैंने उसको खोला और उसको इस तरह से इस वाली नेट के ऊपर पहन लिया। ये ब्लाउज, ये साड़ी, ये सब मेरा आपको देखा हुआ होगा अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, बिकॉज एक पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड लुक किया था मैंने इससे पहले, और उसी में मैंने ये साड़ी ये ब्लाउज पहना
पहना था, बहुत प्यारा लगता है। माइकिया की शादी के लिए मैंने सिलवाया था, बहुत स्टाइलिश लगता है, बहुत यूनिक लगता है। आई एम श्योर आपने किसी एक के पास भी नहीं देखा होगा ऐसा, सिवाय सेलिब्रिटीज़ के। तो जैसा कि हमारा काम है सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड चीज़ों को सस्ते दामों में आपके पास पहुँचाना, तो बस वैसे ही कुछ मैंने करा। इस टाइप के लुक्स में ना ओपन हेयर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने तो अपने बालों को बांध लिया था। सो यस, यही है आज की कहानी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। एक बात और, यूट्यूब पर भी हमारा गिव अवे चल रहा है, अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, किसी 5 लोगों से मेरे इंस्टा के जो चैनल है उसको भी और यूट्यूब के चैनल को भी शेयर कीजिए, इनके स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए। और यूट्यूब का गिव अवे रखूंगी मैं जब मैं 10,000 हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 5K पे रखा था और अब 10K पे रखने वाले हैं। और जो ये मैं पहनी हुई हूँ इस वाले लुक की भी डिटेल मैं दूंगी आपको सैटरडे को। आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं सैटरडे को, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कमेंट करके जाना, बता के जाना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। के लिए बाय बाय।